तो क्वेश्चन में दे आर की और इसकी लीनियर वेलोसिटी ये वी, इसके सेंटर ऑफ मास की और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। शोन इन फिगर गिवन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो इसमें दे रखा कि वी इक्वल टू आर ओमेगा है, ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्क है वो एक तो रोटेट भी कर रही है और इसका ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है। तो जो पार्टिकल है वो आगे की तरफ भी जाएगा, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है। ये पार्टिकल भी इधर जाएगा ट्रांसलेशन की वजह से और रोटेशन की वजह से इधर जाएगा। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए बी सी डी जो पार्टिकल है उनकी लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो अपने पास एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है अपने पास, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास जिसकी वेलोसिटी है वी, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब पार्टिकल है अपने पास, ए पार्टिकल है बॉटम में, एक हाईएस्ट पॉइंट पे है और एक इस साइड में है और एक यहाँ पे है। ये डी पार्टिकल है, ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है और ये सी पार्टिकल है। अब देखो कि ये इसका रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, मतलब कि ये घूमती हुई आगे की तरफ जाएगी, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगी, ये रोटेट करते हुए आगे की तरफ जाएगी। तो इस प्रकार से इसका मोशन होगा। तो जो ये पार्टिकल है ए की वेलोसिटी अपन निकालते तो ए है, तो जो इसका ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है उसके कारण इसकी वेलोसिटी इस साइड में होगी v, और जो रोटेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट यहाँ पे ये सेंटर ले लो o, तो o के रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, यही सर्कल है इसका, इसी सर्कल में करेगा। तो इसकी वेलोसिटी एक जो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी v t, वो आर ओमेगा होगी, ठीक है। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या होगी, वेक्टर सम ऑफ दिस टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसकी वी ए क्या हो जाएगी, वी आई माइनस आर ओमेगा आई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो वी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो आर ओमेगा आई माइनस आर ओमेगा आई, तो इसकी वेलोसिटी जीरो आ गई। तो जो कोई भी बॉडी जैसे मान लो रोटेशनल या फिर ट्रांसलेशनल दोनों कंबाइंड मोशन करती है, तो जो बॉटम पे पार्टिकल रहता है उसकी वेलोसिटी जीरो रहती है। कोई कार है, ठीक है, एक कार है अपने पास, यहाँ पे इसका टायर लगा हुआ है, तो टायर पे जो बॉटम पे जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी, क्योंकि ये रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन हो रहा है इस टायर का, तो जो बॉटम वाला पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अब देखते हैं पार्टिकल बी के लिए, तो इसका जो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण ये इस साइड में भी जाएगा v वेलोसिटी से, और रोटेशनल मोशन के कारण इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी r ओमेगा। तो इसका जो वेक्टर सम हो जाएगा इसकी वेलोसिटी का v, v
इक्वल टू आर आई प्लस आर ओमेगा जे। तो वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा आई प्लस आर ओमेगा जे देन आर ओमेगा आई प्लस जे। तो इसकी मोड निकालेंगे इस वेलोसिटी का, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा रूट टू। वैसे ही सी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे, तो सी मान लो ये है पार्टिकल, ये इसका ट्रांसलेशन वेलोसिटी है और ये इसकी सॉरी ये इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी है और इसी डायरेक्शन में ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी आर ओमेगा, और इसी डायरेक्शन में इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी वी। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो वी सी हो जाएगी टू आर ओमेगा आई, और मोड ऑफ वी सी क्या हो जाएगा टू आर ओमेगा। एंड पार्टिकल जो डी पार्टिकल है उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और रोटेशन के कारण एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी आर ओमेगा, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड आएगी आर ओमेगा, क्योंकि जो पार्टिकल अगर रोटेट करता है तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की वो जो सेंटर मास है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर यहाँ पे भी पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी इसके परपेंडिकुलर, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी डी की वेलोसिटी वी आई माइनस आर ओमेगा जे। सो आर ओमेगा आई माइनस आर ओमेगा जे, तो वी डी का मोड हो जाएगा आर ओमेगा रूट टू। तो वी डी पार्टिकल की वेलोसिटी और वी बी की सेम वेलोसिटी है, बस डायरेक्शन अलग है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस डायरेक्शन में करेगा ये मूव, तो ये होगी चारों पार्टिकल की वेलोसिटी।